तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको कूलर मोटर और वाटर पंप का कनेक्शन रोटरी स्विच और रेड बटन स्विच के साथ करना बताएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा 3 स्पीड कूलर मोटर है। इस कूलर मोटर के अंदर से 4 वायर बाहर निकल रहा है। फ्रेंड्स बहुत सारे कूलर में एक रोटरी स्विच और एक रेड बटन स्विच लगा होता है, जिसमें रेड बटन स्विच से वाटर पंप चलता है और रोटरी स्विच से फैन मोटर चलता है। फ्रेंड्स उस कूलर के अंदर आप इस फैन मोटर का कनेक्शन रोटरी स्विच में और वाटर पंप का कनेक्शन रेड बटन स्विच में कैसे करेंगे, कैसे आप उस कूलर का कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो हमारा कूलर मोटर है, इस कूलर मोटर के अंदर से जो 4 वायर बाहर निकल रहा है, उसमें एक व्हाइट कलर का वायर है, एक रेड कलर का वायर है, एक ब्लू कलर का वायर है, एक हमारा ब्लैक कलर का वायर है। फ्रेंड्स जो हमारा ये 4 वायर होता है, इन 4 वायर में से 3 स्पीड का वायर होता है, एक हमारा कॉमन वायर होता है। फ्रेंड्स आप इन 4 वायर में कैसे पता करेंगे कौन सा स्पीड का वायर है, कौन सा कॉमन वायर है, उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये 3 स्पीड कूलर मोटर का वायर का कलर कोडिंग होता है, उस हिसाब से जो ये ब्लू कलर का वायर होता है वो इस मोटर का कॉमन का वायर होता है, जो रेड कलर का वायर होता है वो लो स्पीड के लिए होता है, जो व्हाइट कलर का वायर होता है ये मिनिमम स्पीड का होता है, और जो ब्लैक कलर का वायर होता है ये हमारा हाई स्पीड का वायर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जो हमारा ये 3 वायर है ये स्पीड के लिए है, और जो हमारा ये ब्लू कलर का वायर है ये हमारा कॉमन वायर है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस मोटर में हम पावर सप्लाई देने के लिए 2 वायर यूज कर रहे हैं, जो कि एक रेड कलर का है, एक हमारा ग्रे कलर का है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये वाटर पंप है, इस वाटर पंप के अंदर से 2 वायर निकल रहा है, जो कि एक ब्लैक कलर का वायर है, एक हमारा रेड कलर का वायर है। अब फ्रेंड्स हम इन सारे वायर का कनेक्शन रोटरी स्विच और रेड बटन स्विच के साथ करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये रोटरी स्विच रहेगा, ये हमारा 4 पॉइंट वाला रोटरी स्विच है। इस रोटरी स्विच पे फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे नंबर लिखा हुआ है, यहां पे देखिए हमारा L लिखा हुआ है, यहां पे 1 नंबर लिखा है, यहां पे 2 नंबर लिखा है, यहां पे 3 नंबर लिखा है। फ्रेंड्स आपके भी कूलर में जो रोटरी स्विच लगा होगा उस पे भी आपको ऐसे ही नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो आपका ये रेड बटन स्विच है, इस रेड बटन स्विच में जो हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है, इन 3 पॉइंट पे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। देखिए एक पे हमारा N लिखा हुआ है, एक पे हमारा LD लिखा हुआ है, और जो हमारा 1 पॉइंट है उस पे हमारा A लिखा हुआ है। वही फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर 250 वोल्ट AC लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, दोनों स्विच का नंबर जरूर ध्यान दे रहा है, आपको नंबर के हिसाब से ही इसमें वायर कनेक्शन करना है। अगर आप उल्टा कनेक्शन करेंगे तो आपका ये स्विच बराबर काम नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये रोटरी स्विच का L वाला पॉइंट रहेगा, इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये सप्लाई का 2 वायर रहेगा, इसमें से आपको 1 वायर को लेना है और जो आपका L वाला पॉइंट रहेगा उसमें यहाँ पे जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए ऐसा एक छोटा सा वायर का लूप लेना है। लेने के बाद जो आपका लूप का 1 पॉइंट रहेगा, इसको भी क्या करना है, जो आपका ये रोटरी स्विच का L वाला पॉइंट रहेगा इसी में यहाँ पे जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपका ये लूप का दूसरा पॉइंट रहेगा, इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका ये रेड बटन स्विच का A वाला पॉइंट रहेगा, जिस पे आपका A लिखा रहेगा, इसी A वाले पॉइंट में लूप का दूसरा पॉइंट जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, देखिए जो आपका ये रेड बटन स्विच है, इस रेड बटन स्विच को पावर सप्लाई आपको यहीं से मिल जाएगा, तो आपको ए वाले पॉइंट में सप्लाई जोड़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सप्लाई का 1 वायर L में जोड़ा है और यहीं से लूप करके रेड बटन स्विच को भी सप्लाई दे दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये फैन मोटर का 4 वायर है, इन 4 वायर में से फ्रेंड्स आपको 1 वायर को लेना है, जो कि आपका रेड कलर का होगा। इसको फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका ये रोटरी स्विच का 1 नंबर का पॉइंट रहेगा उसमें आपको जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स रेड कलर के वायर को हमने 1 नंबर में जोड़ दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो आपका ये व्हाइट कलर का वायर है, जो कि मीडियम स्पीड का है, इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका ये रोटरी स्विच का 2 नंबर का पॉइंट रहेगा इसमें आपको जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2 नंबर में व्हाइट कलर के वायर को जोड़ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा ये ब्लैक कलर का वायर है, जो कि इस मोटर का हाई स्पीड का वायर है, इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका रोटरी स्विच का 3 नंबर का पॉइंट रहेगा, इस 3 नंबर वाले पॉइंट में क्या करना है, हाई स्पीड का वायर ब्लैक कलर वाला जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा ये रोटरी स्विच का 4 पॉइंट था, इन 4 पॉइंट में वायर का कनेक्शन हो गया है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो आपका अभी रेड बटन स्विच है, इसमें आपको अब वाटर पंप का कनेक्शन करना है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये वाटर पंप का 2 वायर रहेगा, इन 2 वायर में से 1 वायर को लेना है और जो आपका ये स्विच का N वाला पॉइंट रहेगा, इस N वाले पॉइंट में जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स इसको चलिए हम क्या कर रहे हैं, N वाले पॉइंट में वाटर पंप का 1 वायर जोड़ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका पावर सप्लाई का 2 वायर रहेगा, जिससे कि आपको कूलर को न्यूट्रल मिलेगा, उसको फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका ये रेड बटन स्विच का N वाला पॉइंट रहेगा, इसको फ्रेंड्स इसी में यहाँ पे जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम पावर सप्लाई के 2 वायर को भी N में जोड़ दे रहे हैं।
तो फिर इससे क्या होगा, देखिए जो हमारा ये रेड बटन स्विच होता है इसके अंदर एक इंडिकेशन लैंप होता है, उस लैंप को ग्लो कराने के लिए हमको इस स्विच को फेस न्यूट्रल देना होता है। अगर आप इसमें न्यूट्रल नहीं देंगे तो उससे आपका ये इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंडिकेशन लैंप को ग्लो कराना है तो ही आपको इसमें न्यूट्रल जोड़ना है। अगर आप चाहते हैं हमारा इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं हो, बंद रहे, तो वहाँ पे आप इसमें न्यूट्रल नहीं जोड़िएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज़ यहाँ पे और करना है, देखिए जो आपका ये फैन मोटर का कॉमन का वायर है ब्लू कलर का, इससे फ्रेंड्स आपको इस मोटर को न्यूट्रल देना है। उसके लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, जो आपका ये ब्लू कलर का वायर रहेगा इसको भी क्या करना है, जो आपका रेड बटन स्विच का एन वाला पॉइंट है इसी में आपको यहाँ पे जोड़ देना है। फ्रेंड्स अगर आप इस इंडिकेशन लैंप को ग्लो कराना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट नहीं करिएगा, आप इन सारे वायर को अलग कनेक्ट करके यहाँ पे टेप को लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने तीन वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये वाटर पंप का एक वायर बच जा रहा है इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये रेड बटन स्विच का बीच वाला पॉइंट है जिसपे LD लिखा हुआ है उसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाटर पंप का एक वायर बच गया है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम वाटर पंप के एक वायर को बीच में जोड़ दिए हैं और एक वायर को यहाँ पे एन में जोड़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा वायर था इन सारे वायर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक बार फ्रेंड्स मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ कैसे हमने इसका कनेक्शन किया है, उसके बाद मैं आपको एक बार इसको चालू करके भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा सप्लाई का एक वायर है इसको हम क्या किए हैं, रोटरी स्विच के एल वाले पॉइंट में जोड़े हैं, यहीं से एक लूप लेके जो हमारा रेड बटन स्विच का यहाँ पे ए वाला पॉइंट है इसमें जोड़ दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये मोटर का लो स्पीड का वायर है रेड कलर का इसको एक नंबर में जोड़े हैं, व्हाइट कलर का वायर दो नंबर में जोड़े हैं और जो हमारा ब्लैक कलर का हाई स्पीड का वायर है इसको हमने तीन नंबर में जोड़ दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये रेड बटन स्विच का बीच वाला पॉइंट है जिसपे LD लिखा हुआ है इसमें हमने क्या किया है, वाटर पंप का एक वायर कनेक्शन कर दिया है। और साथ ही फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये रेड बटन स्विच का एन वाला पॉइंट है इसमें हमने क्या किया है, फैन मोटर का एक वायर, वाटर पंप का एक वायर और जो हमारा सप्लाई का एक वायर है इन तीनों वायर को हमने क्या किया है, रेड बटन के एन वाले पॉइंट में जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स आपको अपने कूलर के अंदर भी इन दोनों स्विच के कनेक्शन ऐसे ही करना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसको चालू करके दिखाता हूँ कि ये दोनों स्विच से हमारा ये दोनों मोटर बराबर काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक बार सप्लाई को चालू करेंगे। चालू करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्लायर है या कोई भी चीज़ है तो उससे आपको इस रोटरी स्विच को पकड़ लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा अभी ये कूलर के अंदर फिट नहीं है। अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो अगर आपका हाथ टर्मिनल में टच हो जाएगा तो आपको शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। पकड़ने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम रोटरी स्विच को यहाँ पे एक बार घुमाएंगे तो हमारा मोटर यहाँ पे घूम रहा है, फिर जब हम दूसरा बार घुमाएंगे तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ जाएगा, मतलब मीडियम स्पीड हो जाएगा, और उसके बाद जब हम तीसरा बार घुमाएंगे तो मोटर हमारा यहाँ पे हाई स्पीड में घूमने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये रेड बटन स्विच है जब इसको अब यहाँ से दबाएंगे तो देखिए हमारा वाटर पंप यहाँ पे चालू हो गया है और इस रेड बटन के अंदर हमारा इंडिकेशन भी यहाँ पे ग्लो हो रहा है। वही फ्रेंड्स देखिए जब इस स्विच को यहाँ से बंद करेंगे वाटर पंप बंद हो जाएगा और इंडिकेशन लैंप भी यहाँ से बंद हो जाएगा। जब तक फ्रेंड्स आपका वाटर पंप चलते रहेगा तब तक इसमें इंडिकेशन ग्लो करेगा और जब आपका वाटर पंप ऑफ हो जाएगा तो इसका इंडिकेशन भी यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। वही फ्रेंड्स देखिए जब आप यहाँ से रोटरी स्विच को ऑफ करेंगे तो आपका यहाँ पे मोटर भी ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको एक रोटरी स्विच और एक रेड बटन स्विच वाले कूलर का वायरिंग कनेक्शन करना है जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप इस कनेक्शन को कहीं पर नहीं समझ पाए या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।